जिंदाबाद, मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफा न्यूज़। प्यारे व्यूअर्स, हम आप पहुँचे हैं अंबर सिनेमा। अंबर सिनेमा पे ये आई केयर टेक सेंटर है, यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा में इसका हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है चैरिटी के द्वारा जितने भी किसान परिवार या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं सर, समाज की जनता के यहाँ पर वाइट कैटरेक्ट मोतियाबिंद ऑपरेशन होते हैं और यहाँ पर कैंप लगता है हर शनिवार को। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं ग्रेटर नोएडा से, आज भी वैन आती है आई केयर हॉस्पिटल की ग्रेटर नोएडा से और सभी मरीजों को लेके जाती है, ऑपरेशन के बाद में यहीं छोड़ के जाती है। आज भी कुछ मरीज़ आए हैं ऑपरेशन होने के बाद में और कुछ मरीज़ों ने अपनी आई यहाँ पे टेस्ट कराई है उनकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी तरह से शामिल चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा खैरुन्निसा। अच्छा, तो बहन आप ज़रा बताएं आई केयर में आप यहाँ से इतनी वैन लेके जाती है और वैन ही छोड़ के गई है? हाँ, वैन ही छोड़ के गई है और वैन ही लेके गई है और बहुत सुविधा है वहाँ। सुविधा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत खास ख्याल रखा जाता है, बहुत बढ़िया है ईमान से, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, खाना पीने का कैसा? खाना पीने का बहुत अच्छा ख्याल रखे हैं। अच्छा, सुबह ही चाय नाश्ता देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, फिर शाम को खाना देते हैं, फिर 4 बजे चाय देते हैं। अच्छा, 3 दिन ऑपरेशन के बाद में कितने दिन रखते हैं? 2 दिन। कल ऑपरेशन हुआ, आज छुट्टी कर दी। अरे वाह, देखिए प्यारे वर्ष, देखिए आप ये देखिए कितनी अच्छी बात बताई है, कल ऑपरेशन हुआ और आज छुट्टी, आज बुलंदशहर में हमारे बीच हैं। चलिए, और क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी जैसी बहुत सारे मरीज ऐसे हैं, बहुत मरीज हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे। आपके जैसे और भी परेशान है वो यहाँ आए? हाँ, आते हैं, इस सेवा का लाभ उठाएं। बहुत उठा रहे हैं लाभ का, सेवा का और भी। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। स्वागत है चैनल में सर जी। और वहाँ पे इतनी बढ़िया सुविधा है आई केयर हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, मैं भी आंख बनवा करके आया हूँ और बहुत ही खाने पीने की, लाने ले जाने की हर चीज की सुविधा है। अच्छा। और आंख सही बनी है। चश्मा क्यों उतार दिया आपने? कौन सा? ये तो और ना बनी। अच्छा, बन चुकी? बन चुकी है। कब बनी थी? करीब 3 महीना हो गए। अच्छा, तो बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, हर चीज की सुविधा है, फ्री में, कोई पैसा नहीं, आना जाना खाना पीना सब फ्री। ऐसा अस्पताल पहली बार देखा, जी इतनी अच्छी सुविधा जिंदगी में। तो आप तो अल्लाह आपको सलामत रखे, पूरी जिंदगी जो है याद ही करती रहूंगी, समझ लो। और याद भी करती रहेंगी और औरों को भी बताऊंगी और मरीज भी भेजती रहेंगी ताकि और आपके जैसे लोगों को फायदा पहुँचे। और दुआ दूंगी उन्हें। और ये बदर भाई जो है, बदर भाई को तो सब मेरा दुआ। असली असली एयर के भेजने वाले, हाई केयर के तो बीच की पुलिया ब्रिज हमारे बदर भाई हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। खूब माशाल्लाह दुआएं दे रहे हैं, अंदर से ही दिल से ही दुआ दे रही हूँ, कल से ही बता। अरे वाह माशाल्लाह, चलिए अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, सलामत रखे अल्लाह ताला। तो मैं अपने आदमी को भी दिखाऊंगी, उनके आँख की पुतली ठहर गई है। अच्छा, दिखाइएगा जरूर। नहीं दिखाऊंगी जी। मई आज हमारी पत्नी भी जा रही है। अच्छा, पत्नी बनवाएगी आँख बनवाने के लिए, पर्चा लाई है। अच्छा, और अब जाएंगे वो आँख बनवाने के लिए। तो हमें जो बहुत सुविधा मिली है तो इसलिए आप भी वही बनवा का वो बैठी है। अच्छा, आइए आइए आइए, अम्मा जी आइए, चाची जी आइए, आइए। शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शीला। स्वागत है चैनल में। अभी महिपाल भाई साहब ने बताया तो अभी आपकी आँख भी बननी है, सफ़ेद मोती है आँख में, तो इनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ और ऑपरेशन में फ्री ऑपरेशन हुआ और वैन लेके जाती है आपको भी इसी तरीके से। हाँ ठीक है, सही है। चलिए ठीक है जी। क्या कह रही थी? मैंने की बहुत सुविधा है, ना कोई किराया ले में, ना भाड़ा ले में, ना बनाई कर ले, और दवा और फ्री से दे, और खाना पीना फ्री में है सब। अच्छा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह ताला, मैं तो कहूँ ना और तरक्की देवे। और बदर भाई को भी, और बदर भाई को भी तरक्की देवे। बदर भाई की उम्र में खैर बरकत, खैर बरकत करे अल्लाह ताला, इनसे और खैर के काम कराए, करावे जो अल्लाह जल्दी से जाएंगे और हम भी इनके पीछे। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए कितनी खास है, अपने बड़े अकीदे के साथ, इस मोहब्बत के साथ में बदर भाई और बदर भाई की पूरी फैमिली माशाल्लाह, पूरा एलो एल। हाँ, अल्लाह ताला सब जन्नत में जावे। आमीन सुम्मा, थैंक यू। और हम भी इनके पीछे पीछे जावे जन्नत जी। हाँ, इसे भी दिखाने ऊपर। क्या नाम है बाजी आपका? रिहान। मेरा सितारा, इसका रिहान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इसे दिखाएंगे खुशामदी चैनल में। हाँ, इसको भी दिखाना है शनिवार के लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको भी ऑपरेशन के लिए। अच्छा, चोट लग गई थी? कब?
इसके हो गए कल से दिल से दुआ निकल रही है मेरे। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है एहसान है परवरदिगार। कहाँ रहती हैं आप? बिला में खुर्जे से आई। अरे वाह माशाल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाजी, थैंक यू। एक और मरीज है, हम चाची जी इधर आजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदी चैनल में आँख बन के आई आपके आप बनवा लिया आज ही आए आप भी इन मरीजों के साथ। तो कैसा वहाँ पे रहा आपने देखा? बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। वहाँ पे रख रखाव डॉक्टरों की, डॉक्टरों का अखलाक कैसा है वहाँ पे? बहुत अच्छा। देख रेख कैसी है? बहुत। और ऑपरेशन अच्छी नई टेक्नोलॉजी से करते हैं वो? जी हाँ। और फ्री आपका हुआ बिल्कुल? जी। दवाइयाँ दी यहीं से लेके गए और यहीं पे छोड़ के गई बहन? यहीं पे। तो पूरा बुलंदशहर आपको देख रहा है, हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आपकी जैसी और भी हमारे बुलंदशहर की महिलाएं हैं उनसे फायदा उठा। चलिए शुक्रिया। अब ये है ना, मेरी आँख में अभी साफ नहीं दिख रहा है बस। तो चश्मा भी नंबर लगेगा ना आपका? अच्छा। और काला अभी बाद में नंबर आपको मिलेगा। जी जी। और काला चश्मा नहीं लिया आपने? हाँ है घर पे, मैं लेगा। हाँ उसको जरूर लगाइएगा धूप में। अच्छा जी जी। तो प्यारे वर्ष देखिए, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं और ओपीडी में यहाँ पर जितने भी मरीज, और मैं दिखा देता हूँ। देखिए बदर भाई बड़े बहुत बड़े समाजसेवी हैं। देखिए बड़े डॉक्टर साहब बड़े जिज्ञासा से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से तमाम मरीजों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिनकी ऑपरेशन होने के बाद यहाँ आते हैं उनको हर तरीके से चेक करने के बाद में यहाँ पर उनको घर के लिए डिस्पर्स किया जाता है। इसके साथ साथ हर शनिवार को यहाँ पर कैंप लगता है, डॉक्टर साहब बैठते हैं, और जिनका वाइट कैटरेक्ट डॉक्टर साहब उसको रिकमेंड करते हैं। अगर ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो निःशुल्क उनको यहाँ से वैन लेके जाती है आई केयर सेंटर ग्रेटर नोएडा, और ऑपरेशन के बाद में यहीं छोड़ती है। और यहाँ के बदर भाई जो हैं इस आई केयर सेंटर के लिए एक ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पर, और यही डील कराते हैं। और कहीं ना कहीं हमेशा रूह की आवाज़ उनकी ये रहती है कि कम से कम गरीब आदमी, किसान परिवार, मध्यम परिवार के लोगों को मरहम लगा सकें, और तमाम रात दिन उनकी सेवा में समर्पित हैं। अजी बदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चैनल में खुश आमदीद, बहुत बहुत तहे दिल से आपको सैल्यूट, आपकी मोहब्बत, और आप इतना नेक और बड़ा महान कार्य कर रहे हैं आप बुलंदशहर की सरजमी पर। कई दशकों से लगातार अपने आप में ये अति सराहनीय बात है। बदर भाई और तमाम मरीज़ आपके लिए दुआएं दे रहे हैं, यहाँ तक भी ये बहन मिली है खुरजे से, तो उन्होंने कहा कि आप, आपका परिवार पूरा जन्नत, अल्लाह आपको जन्नत से नवाजे। एक इंसान के लिए मैं इस काम को 2020 से कर रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए मुझे इस काम करते करते, और फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आँख बन के आ रही हैं वहाँ से, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर आ रही हैं। कि अब मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का फ़ायदा हो जाए वो बेहतर है। सही बात है इंशाल्लाह। और हमारे जाहिद भाई तो हमारे मेरे छोटे भाई हैं, और इनसे मेरे पर्सनली खानदानी ताल्लुकात मेरे प्यारे वर्ष तकरीबन जो है 60-70 साल से इस परिवार से और मेरे परिवार के ताल्लुकात हैं, और ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत और बड़ी ऐतिहासिक बात है, और मुझे गर्व है इस परिवार पर, बदर भाई पर। और कहीं ना कहीं बदर भाई के जो कार्यशैली है, जो अखलाक स्वभाव अल्लाह ताला ने इस ईश्वर